मंचासीन सर्व गणमान्य नेते कार्यकर्ते आणि आजच्या या शांती सभेला उपस्थित माझ्या सर्व बंधू भगिनींनो मित्रांनो सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा सभी को स्वाधीनता दिन की शुभकामनाएं वैसे तो भारत की आज़ादी का दिन परसों है लेकिन उससे एक दिन पहले पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है और जो सभ्यता की दृष्टि से सिविलाइजेशनली इसी सिविलाइजेशन का एक अंग है उनका आज़ादी का दिन कल है तो हम पाकिस्तान के हमारे सभी भाई बहनों को उनके इंडिपेंडेंस डे पर मुबारकबाद देते हैं और हम दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो पाकिस्तान फले फूले और अमन चैन से रहे अंदर भी पाकिस्तान के भीतर भी और पाकिस्तान के पड़ोसियों के साथ भी आज जब हम भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के सालगिरह मनाने जा रहे हैं वैसे तो हम भारत में मनाएंगे और हमारे पाकिस्तानी भाई बहन कल पाकिस्तान में मनाएंगे लेकिन यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक बहुत लंबे अरसे तक हमारा आज़ादी का जो जंग था वो एक ही था वो 1857 हो या उसके बाद भी जो सफ़र रही वो हमारा एक ही था आगे चलकर कुछ इसमें दो अलग अलग राहें हुई पाकिस्तान बन गया लेकिन जैसे आपने उस फिल्म में देखा महात्मा गांधी ने कहा कि भूगोल के टुकड़े हुए इसका मतलब ये नहीं कि दिल और मन के टुकड़े होने चाहिए आज मित्रों हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सभी शहीदों तथा महापुरुषों को याद करते हैं और कृतज्ञता से अभिवादन करते हैं नमन करते हैं महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू लोकमान्य तिलक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेताजी बोस अबुल कलम आज़ाद शहीद भगत सिंह कितनों का नाम गिने अनगिनत देशभक्त अनगिनत शहीद हम उन सबको तिरंगा सलाम देते हैं और मित्रों आज उन सभी लाखों लोगों को भी हमें याद करना चाहिए जो स्वतंत्रता के साथ साथ यह एक बहुत बड़ी शोकांतिका है कि भारत तो स्वतंत्र हुआ लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ आज़ादी के साथ साथ भारत का बंटवारा हुआ और इस बंटवारे के साथ साथ कौमी दंगों में लाखों लोग मारे गए हिंदू मारे गए मुसलमान मारे गए सिख मारे गए आज हमें उनकी भी याद करनी चाहिए और उन लाखों परिवार जो विस्थापित हुए क्योंकि यह जो एक दिस ट्रैजिक हिस्ट्री फ्रेंड्स वी मस्ट नेवर फॉरगेट वी शुड नॉट फॉरगेट बिकॉज इफ यू फॉरगेट हिस्ट्री देर इज एवरी लाइकलीहुड दैट वी विल रिपीट दैट ट्रैजिक हिस्ट्री दिस मस्ट नेवर हैपन आगे आइए इकबाल भाई
आज 15 अगस्त का जश्न मनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इट्स नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन, इट इज़ ऑल्सो एन ओकेजन फॉर इंट्रोस्पेक्शन. इट्स नॉट अ रिचुअल. झंडा वंदन कर दिया और छुट्टी मिली, और अब तो एक लंबी एक वीकेंड के साथ मिली है. नहीं, आज हमें चाहिए कि हम अतीत की ओर देखें. भारत क्यों गुलाम हुआ, क्यों एक छोटा मुल्क ब्रिटेन इतने बड़े मुल्क पर अपना राज जमाया. तो इसका भी एक मूल्यांकन होना चाहिए. इस हमारे इतिहास के इस चैप्टर को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए. तो अतीत की ओर देखकर, बाय लुकिंग एट द पास्ट एंड बाय लुकिंग एट टुडे, टुडेज चैलेंजेस, टुडेज प्रॉब्लम्स, वी शुड लुक टू द फ्यूचर. और एक संकल्प लेना चाहिए कि हम एक उज्जवल भविष्य के लिए सब मिलकर काम करेंगे. यही 15 अगस्त का संदेश है. आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका हमने एक 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 विनूतन यानी इनोवेटिव स्वरूप देने का कोशिश किया हमने. गांधी एधि कैंपेन क्यों? क्योंकि हम इसके द्वारा एक हमारे पाकिस्तान के भाइयों को, बहनों को एक संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब्दुल सत्तार एधी साहब, वैसे तो नॉमिनली ही वो पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के थे. वैसे देखा जाए तो उनका जन्म गुजरात में हुआ था, बाटवा गांव में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बहुत एक बड़े महापुरुष थे. परहैप्स द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी इन रिसेंट टाइम्स. तो पाकिस्तान के लोगों को आज के इस प्रोग्राम से एक मैसेज जाना चाहिए कि भारत में भी ऐसे हजारों लोग हैं जो इस पाकिस्तान के महापुरुष को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. और महात्मा गांधी तो विश्व मानव थे. यू आर द ग्लोबल सिटीजन. उन दोनों का जो जीवन संदेश है वो एक ही है, मानवता का, मानवता की सेवा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड पीस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, जेंडर. तो यह है 15 अगस्त का, 14 अगस्त का संदेश. मित्रों, आज के इस प्रोग्राम का दायरा हमने और बढ़ाया, ना केवल भारत और पाकिस्तान. हमने सोचा कि आज का जो यह जो ओकेजन है, संदर्भ है, हमें और एक संकल्प लेना चाहिए. वह है कि हम इस पूरे दक्षिण एशिया को एक नई आज़ादी दिलाना चाहते हैं. आज़ादी गरीबी से, आज़ादी नफरत से, आज़ादी हिंसा से, आज़ादी आतंकवाद से. साउथ एशिया इज अवर कॉमन सिविलाइजेशनल होम. वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, भारत तो है ही, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. यह जो मित्रों, यह जो दक्षिण एशिया है, जरा गौर करिए, जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से, वी अकाउंट फॉर नियरली 1.75 बिलियन पीपल. 1.75 बिलियन यानी पूरे दुनिया का जो पॉपुलेशन है लगभग एक चौथाई, ये तो दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया है.
लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गरीबी इस दक्षिण एशिया में है, सबसे ज़्यादा पिछड़ापन दक्षिण एशिया में है, और सबसे ज़्यादा अन्य जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहीं के हैं। और साउथ एशिया इज टुडे द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द एंटायर वर्ल्ड। इकोनॉमिकली, सोशली, हमारे बीच जो एक आना जाना होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, वो कम है या न के बराबर है। तो यह सब बदलना चाहिए। तो इसलिए हम एक वी हैव टू टेक अ प्लेज फ्रेंड्स दैट ऑन द 14th-15th एज द नेचुरल लीडर ऑफ साउथ एशिया इंडिया शुड टेक अ प्लेज, इंडिया शुड डिटरमिन दैट वी विल टेक द लीडरशिप इन चेंजिंग द डेस्टिनी ऑफ साउथ एशिया। यानी पूरे दक्षिण एशिया का जो भविष्य है इसे बदलने में हम नेतृत्व करेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी शपथ विधि हुई, जरा पीछे मुड़कर देखिए मई 2014 क्या नजारा था। नब भूतो यानी कभी नहीं हुआ था कि उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए सार्क के सभी प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स पहुंचे। तो ऐसा लगा कि अब तो एक नया एक चैप्टर शुरू होने वाला है। लेकिन ये दुख की बात है कि पिछले 2.5 साल में हम आगे नहीं बढ़े और कभी कभी लगता है कि हम पीछे हट रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम की ओर से, इस सभा की ओर से हमें एक अपील करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को और सार्क के सभी लीडरान को कि ऑल ऑफ यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक साउथ एशिया फॉरवर्ड एंड द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है मित्रों, we have to be absolutely categorical that Pakistan must stop promoting terrorism, religious extremism in every form, irrespective of the cause. जो पाकिस्तान कर रहा है या करता आया है वो उसका खुद अब विक्टिम बन गया है। इससे तो वो सबक सीख ले। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो religious extremists हैं, जो पेट्रियोटिज्म के नाम से नफरत फैला रहे हैं, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, यह भी बंद हो जाना चाहिए। तो इसलिए आज के इस प्रोग्राम का सबसे पहला जो मकसद है वो है कम्युनल हार्मनी। वी वांट टू क्रिएट एन इंडिया फ्री ऑफ कम्युनल वायलेंस, कम्युनल रायट्स। वी वांट टू क्रिएट अ साउथ एशिया फ्री ऑफ टेररिज्म। और इसके आगे जो 47 में भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का विभाजन हुआ, अब एक और एक मैसेज जाना चाहिए कि नो मोर रीड्रॉइंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज इन साउथ एशिया। इसके बाद भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, इसके बाद किसी भी मुल्क का विभाजन नहीं होना चाहिए, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। हम इंटीग्रेशन की ओर चले। नेशनल बाउंड्रीज रहेगी, सॉवरेन नेशंस रहेंगे, लेकिन फिर भी जो यूरोपियन यूनियन में वो सब एक साथ आ सके तो साउथ एशिया क्यों नहीं एक साथ आ सकता है। तो यह आज 15 अगस्त का संदेश है। मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में इतने सारे लोग आए हैं। मंच पर किशन भाई जैसे बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक हैं। ही इज नियरिंग 90 ईयर्स। और इस सभागृह में 8-9 साल के भी बच्चे हैं। हमारे अल मुमिना स्कूल के बच्चे आए हैं,
बज़्मे फुरकान मदरसा के विद्यार्थी आए हैं, वो भी बोलने वाले हैं, वो भी गाना गाने वाले हैं, और अभी अभी जो गीत ज्योति जी ने गाया तो उसके बाद मुझे एक बात याद आई, उससे मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बर्टोल्ड ब्रेक्ट, ये जर्मनी के एक बहुत बड़े कवि थे, जंग विरोधी कवि, युद्ध विरोधी कवि, एक शांति के पुरस्कर्ता ब्रेक्ट। दूसरे महायुद्ध से पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी, इन द डार्क टाइम्स विल देयर ऑल्सो बी सिंगिंग। फ्रेंड्स, दिस इज इन 1938 एंड 1939, द क्लाउड द स्काई ओवर यूरोप वॉज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स ऑफ द कमिंग वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो कहते हैं, इन द डार्क टाइम्स विल देयर ऑल्सो बी सिंगिंग, देन ही सेज यस दे विल ऑल्सो बी सिंगिंग अबाउट द डार्क टाइम्स। तो इस गाना सुनने के बाद मुझे लगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ भी कुछ अंधेरा आने वाला है, यदि हम सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो दक्षिण एशिया में अंधेरा आ सकता है। तो इस अंधेरे को हमें समझना चाहिए और हम ऐसे बोली बोले, ऐसे गीत गाए और ऐसे कदम रखें जिससे यह अंधेरा दूर हो जाए और अमन, शांति, दोस्ती, मैत्री, भाईचारा कायम हो। इन्हीं प्रारंभिक शब्दों से मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।